इसमें ब्रह्मा जी ने एक दिन रखकर वास्तुवाधीश्वर वास्तु का अधीश्वर देवता को स्वयं निर्माण करके इंटर किया था, इसलिए ये ब्रह्म यंत्र ही कहला जाता है। उन्होंने उसके साथ दिया था वास्तु वास्तु निर्माण के लिए कि जिस घर में दुख हो उस वास्तु देवता बहुत है। आजकल के ब्राह्मण भी वास्तु देवता को वास्तु पुरुष की स्थापना करते हैं, और ब्रह्मा ने भी वास्तु के अधीश्वर देवता का निर्माण किया था, और निर्माण करके विश्वकर्मा को बोलते हुए इंद्राज इस यंत्र को कहते हैं कि हम देवता प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में तब भी स्थापन करते हैं, या घर में कुछ दोष है तो इस यंत्र को सर के नीचे रख लेकर रहने से कोई शल्य दोष है, घर में कोई हड्डियां रह गए कोई दोष है ऐसे दोष का भी 11 दिन में पता चल जाता है, और घर में बड़ा धन हो तो भी इस यंत्र को अगर हम अपने सर के नीचे लेकर सोते हैं उस मंत्र को करते हुए तो उसका भी अपने को घर में पता चल जाता है। ऐसा ये दिव्य यंत्र आज निखिल चेतना केंद्र आपको प्रदान कर रहा है। आपके सारे कार्यों का निर्विघ्नता के साथ आप स्वयं करें, किसी के ऊपर आधारित न होते हुए इस यंत्र को अगर आप आपके घर में स्थापन करते हैं तो इन सारे दोषों को भी काफी निवारण होता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे घर में टूटे फूटे विग्रह घर में रखे जाते हैं, या तो मंत्र जिसका प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो 3 वर्ष के बाद छोटे छोटे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र उसको वैसा ही रखते हैं, या फिर बड़े बड़े यंत्रों को रखते हैं, किस यंत्र को कितने दिन कितने वर्ष रखना है, उसके प्राण कितने दिन चेतना जागृत करती है नहीं रहती, इसका ज्ञान जब तक नहीं होता तो हम प्राण गए हुए अगर यंत्रों को घर में रखते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस बात का ऐसे कोई दोष भी घर में है तो उन दोषों का भी निवारण होता है। अपने को अपने घर में कोई पितर अपने बड़े अपनी गलतियों से श्राप दे के जाते हैं या उनको कष्ट पहुंचता है तो ऐसे दोष भी इस यंत्र के माध्यम से शांत होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने इस वास्तुवाधीश्वर को आज तक अपने वास्तु पुरुष का नाम सुना होगा लेकिन वास्तु अधीश्वर देवता का नाम नहीं सुना होगा, ये ब्रह्मा ने स्वयं करते हुए इस यंत्र को दिया था। मैं यह उनका उस यंत्र का ध्यान बोल रहा हूँ।